प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मुरारी इंटर कॉलेज सहजनवा में कुल 20,366.20 लाख रुपए की लागत की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया, जिसमें 778.01 लाख की 6 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 19,588.19 लाख की लागत की 73 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। ये परियोजनाएं जनपद के विधानसभा क्षेत्र सहजनवा, खजनी, बासगांव एवं चिल्लूपार से जुड़ी हुई हैं। लोकार्पित परियोजनाओं में 573.84 लाख रुपए की लागत में संभागीय परिवहन कार्यालय का निर्माण कार्य भी शामिल है। सहजनवा में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज एक साथ 204 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। विकास योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव हर जनपद, हर विधानसभा क्षेत्र, हर विकास खंड में पहुंचाने का कार्य प्रदेश सरकार कर रही है। यह विकास हमारे नौजवानों के लिए रोजगार का माध्यम है। प्रत्येक नागरिक के जीवन को और भी सहज व सरल बनाने का एक आसान मार्ग भी है। गोरखपुर को एक बहुत अच्छा उपहार भी दिया जा रहा है। सहजनवा में लगभग 72 करोड़ के अटल आवासीय विद्यालय योजना का शिलान्यास किया गया। इस विद्यालय से राष्ट्र का निर्माण करने वाले हमारे श्रमिक बंधुओं के बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोरोना काल खंड में प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी, निगरानी समितियां आदि ने पूरे मनोयोग के साथ कार्य किया है। कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कमजोर हुआ है। अभी सभी को कोरोना से बचाव, सावधानी एवं सतर्कता बरतनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना ने केवल विकास को प्रभावित नहीं किया है, बल्कि आपसी रिश्ते, सामाजिक संबंध आदि पर भी अपना प्रभाव डाला है। लेकिन कोरोना को नियंत्रित कर सभी गतिविधियां पूर्ववत की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों की गतिविधियां संचालित की गई हैं, जिससे नौजवानों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों। प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर है, यहाँ कानून का राज है। हर घर को पेयजल योजना के तहत सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि जल जीवन हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम है। और दिसंबर 2021 तक प्रदेश के 50,000 गांवों को इस योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित है। शुद्ध पेयजल बीमारियों से बचने का समाधान है। निगरानी समितियों ने कोरोना काल खंड के दौरान बेहतर कार्य किया है। स्वच्छता, फॉगिंग, सेंट्रलाइजेशन अपने अपने क्षेत्र में प्रधान पार्षद अवश्य कराएं, जिससे निश्चित रूप से बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस अवसर पर सहजनवा विधायक शीतल पांडे ने मुख्यमंत्री सहित उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत किया। सदर सांसद रवि कृष्ण शुक्ल ने भी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, आवास विकास उपाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यान सहित अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने का प्रस्ताव।
उस गुच्छ देकर स्वागत करने का आवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि जी को, निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि जी को उस गुच्छ दे, आदरणीय रमेश सिंह जी को, हमारे कौशिक जी अध्यक्ष हैं, विशेष कृपा है और कृपा के ही कारण विकास की गंगा बह रही है। आदि ने नगर पंचायत उन्वन और चकवार को नगर पंचायत घोषित किया। जन्मा की पावन धरती के हम गोड़ छू के प्रणाम करत है का हाल बा सब लोगन के। शिव अवतारी गोरक्षनाथ महाराज जी के उ पावन मंदिर के पीठाधीश्वर हम सब के हिंदू सम्राट यशस्वी पूज्य योगी महाराज जी के चरण में हम नमन करम, वंदन करम, अभिनंदन करम। जो था वो सब लोगों का मैं ऋणी हूं जो आप सब लोग समक्ष बैठे हो। प्रदीप शुक्ला जी क्षेत्रीय मंत्री, जनार्दन तिवारी जी क्षेत्रीय मंत्री, परशुराम शुक्ल जी, डॉक्टर आरडी सिंह जी जिला महामंत्री, राजा राम कनौजिया जी, ब्रह्मानंद शुक्ल जी, नरेंद्र शुक्ल जी, धर्मेंद्राज हमराज गौड़ जी, राम प्रकाश चौरसिया जी, शिवचरण जी, उदय भान सिंह, सुरेंद्र सिंह चौलंकी जी, मनोज सिंह जी, राम प्रकाश शुक्ल बाड़ा और जो आगे ठीक से नहीं लिखा है लेकिन आप राम प्रकाश जी, श्रीमती सुमन सिंह जी चेयरमैन सजनवा पिपरौली और जितने भी मंचासीन हैं जो नाम छूट गया है सबको एक साथ प्रणाम, सब लोगों को नमन करता हूं मैं और आप लोगों को दोनों हाथ उठाने बोलता हूं। दोनों हाथ उठाइए आप लोग, दोनों हाथ सब लोगन का उठे के चाहिए। आखिर तक बोला नमः पार्वती पते हर हर महादेव। योग ऐसा घोष बा, ऐसा उद्घोष बा जैसे महादेव साक्षात उतर आवलन, जैसे पूज्य महाराज जी हम लोगों के सामने विराजमान है। पूज्य महाराज जी का दर्शन करे पूरा विदेश में लोग तड़पन किया, हुज दिस ओल्ड मॉन्क, हुज दिस मॉन्क, हुज दिस मैन हुज चेंज एंटायर उत्तर प्रदेश, हुज दिस मैन द 24 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन हैज बीन चेंज द गवर्नेंस द लॉ एंड ऑर्डर एवरीथिंग इज बॉट बाय दिस मैन। So who's this man? इनके पर रिसर्च हो रहा है, इन पर बायोग्राफी, इन पर किताबें लिखी जा रही है और सिर्फ इसलिए कि जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री निस्वार्थ, कब आप पर लिखा जाता है, कब आपकी लोग पूजा करते हैं, कब आप अमर होते हो, कब आप चर्चा में आते हो, कब आप ऐसी आंखें फाड़ कर महाराज जी को देख रहे हो और कई सालों से, जब आप निस्वार्थ होते हो, जब आप त्यागी होते हो, जब आप पर कोई दाग नहीं होता, जब आप में करप्शन नहीं होता, जब आप लोगों के लिए जीते हो, तब आप पूजे जाते हो, तब आपको पूज्य कहा जाता है।
ऐसे नहीं कहा जा रहा। वो बहुत मुख्यमंत्री आए, बहुत मंत्री आए, बहुत सांसद आए, बहुत विधायक आए, कितनों का तो हम लोगों को नाम याद नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए, एक बयान आई सनातन धर्म की, एक बयान आई राष्ट्रभक्त की, एक बयान आई तिरंगे से प्रेम की, एक बयान आई विकास की, एक बयान आई कि शौचालय चाहिए माई बहन खातिर, सड़किया चाहिए, बिजली चाहिए, किसान के खाता में पैसा आई, दवाई खाती पैसा आई। और अपने बाद पूज्य महाराज जी 2017 में आई ना, उस बयान को उन्होंने बढ़ाया यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, इनको चुनाव मुख्यमंत्री के रूप में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया समस्त प्रदेश ने, और मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी ने उसको बता दिया। 1947 से ये उत्तर प्रदेश क्या था, और 2017 से 2021 चालू हुआ है, सातवां महीना चल रहा है, कैसन हो गए हो गोरखपुरापन, कैसा हो गया यही सहजन हुआ, क्या था यहाँ पर। अब सड़किया पे जाकर ऐसा लगता मुंबई का नेपेंसी रोड है, अगली फिल्म की शूटिंग करूंगा मैं, मार गजा देना लाइट 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 लाइट, डायरेक्ट चल जा वही एक्सप्रेस वे चली पूर्वांचल लखनऊ पहुंच जा, यहां से 3-4 घंटा में खोल देना सड़किया, महादेव की नगरी बनारस पहुंच जा, हर हर महादेव करा जाके। ज्यादा परिवार अब बाढ़ में डूबता था, अभी महाराज जी के साथ हम लोग तरकुलिया में आए हैं, वहां पर रेगुलेटर का उद्घाटन किया ना महाराज जी, सब किसान गुरबा लोग मर जाता था, खेती खेती बर्बाद होती थी, बीमारी पानी से अलग होती थी बाढ़ से, आज उसको सॉल्व कर दिया 2 साल में, लोकार्पण कल भी भाई 164 करोड़ का, आज भी लोकार्पण शिलान्यास, अनगिनत सौभाग्य जब भी पूज्य महाराज जी का पैर पड़ता है गोरखपुर की पावन धरती पर, महाराज जी को तोहफा लेके आते हैं, क्योंकि महाराज हैं ये देते हैं। सब स्वस्थ है, और मैं करूंगा कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय परम पूज्य जी, सांसद जी जयप्रकाश निषाद जी, से लोकप्रिय विधायक श्री सीतम पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री राम दीवान मोरे जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री प्रदीप शुक्ला जी, क्षेत्रीय मंत्री जनार्दन तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रमेश सिंह जी, जिला महामंत्री श्री आरडी सिंह जी, राधाराम कंवरिया जी, ब्रह्मानंद शुक्ल जी, मंडल अध्यक्ष गण श्री नरेंद्र कुमार शुक्ल जी, शिव चरण प्रसाद जी, राम प्रकाश चौरसिया जी, रामराज गौड़ जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, गोपाल गुप्ता जी, सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी, उदय भान सिंह जी, रामपाल सिंह जी, वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, चेयरमैन नगर पंचायत सहजमा श्रीमती सुमन सिंह जी, वरिष्ठ समाजसेवी श्री परशुराम शुक्ल जी, डॉक्टर मंगल प्रसाद शुक्ल जी, मनोज सिंह जी, और उपस्थित सहजमा क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, एक साथ 203 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम के अवसर पर
साहब आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में लगातार 5 बार आप लोगों ने मुझे सांसद चुना। विकास के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, विकास की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का कार्य होता था, लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर मेरे हाथों में दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर जनपद में, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर विकास खंड में पहुंचाने का कार्य कर रही है। और आज 204 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का एक कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। इससे पहले भी हम अभी गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कुछ कार्यों का शिलान्यास करके आए हैं, उद्घाटन करके भी आए हैं। लगभग 212 करोड़ रुपए की योजनाओं का वहां किया गया। कल 162 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का गोरखपुर शहर के अंदर किया गया। ये विकास हमारे नौजवानों के रोजगार का माध्यम है, तो प्रत्येक नागरिक के जीवन को और ही सहज और सरल बनाने का भी हम सब के लिए एक आसान मार्ग है। और इसीलिए विकास की इस प्रक्रिया को कोरोना कालखंड में हमने थमने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया। हमने संकल्प लिया था, प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की पहली लहर के समय कहा था, हमें जीवन भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है। जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए जो संकल्प प्रधानमंत्री जी का था, उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्सर से उसको जमीन पर उतारा है और विकास की परियोजनाएं जो मूर्त रूप दे रही है, इसके लिए इसके उद्घाटन और शिलान्यास के लिए इसमें 11 कार्य सड़क मार्ग के हैं, मलिन बस्तियों के लिए है, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिए है। लेकिन आज गोरखपुर को हमें बहुत अच्छा उपहार भी दे रहे हैं। लगभग 72 करोड़ रुपए की एक परियोजना सहजनवा में बन रही है, अटल आवासीय विद्यालय का। भाइयों बहनों, अटल आवासीय विद्यालय जो हमारे श्रमिक बंधु है, उन श्रमिकों के बच्चों को, क्योंकि एक श्रमिक राष्ट्र का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण करता है, निर्माण में अपना योगदान देता है, अथक परिश्रम करता है, उस श्रमिक के जो राष्ट्र को लेकर निर्माण होता करता है, उसके बच्चे पढ़ नहीं पाते, क्योंकि आज वो सहजनवा में है, कल संत कविनगर में, अगले महीने फिर अयोध्या चला गया, अगले महीने फिर वाराणसी आ गया, फिर अगले महीने कानपुर चला गया, वो जिंदगी भर घूमता रहता है और उसका एक घुमंत सोहा जो अपनी आजीविका के लिए घूमता रहता है, कार्य के लिए अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता। सरकार ने अब जिम्मेदारी दी है श्रमिकों के बच्चों को और अनाथ हुए बच्चों को सरकार इन अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से आधुनिक शिक्षा देने का कार्य कर रही है। उसने जिन्होंने सरकार का विद्यालय हम लोग मान लिया है, आज उसका भी शिलान्यास यहाँ पे रखा जा रहा है। देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है, तमाम लोगों ने अपने स्वजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन भाइयों बहनों, जिन बच्चों ने अपने आश्रित को खोया है, लीगल गार्जियन को खोया है,
जिम्मेदारी के अपने हाथों में ली है और जिम्मेदारी के साथ हम लोगों ने व्यवस्था की है कि हम उन सभी बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत हर महीने 4,000 रुपए उनके बालिग होने तक देंगे और जैसे बालिग होंगे पीएम केयर से प्रधानमंत्री केयर फंड से 10,00,000 रुपए की राशि उन बच्चों को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उन्हें आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त हो सके भाइयों बहनों इसी के लिए अटल आवासीय विद्यालय का एक तोहफा दिया जा रहा है जिससे श्रमिकों के बच्चों को निराश्रित बच्चों को अनाथ बच्चों को इन विद्यालयों में ला करके आधुनिकतम शिक्षा सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर आधुनिकतम शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराया जा सके। आज सृजना के माध्यम से गोरखपुर जनपद और कमिश्नरी के लोगों के भी उपहार हम लोग देने जा रहे हैं। इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। विकास आज की आवश्यकता है जीवन में खुशहाली ला सकता है। याद करिए मस्तिष्क ज्वर के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। मस्तिष्क ज्वर 1977 से पूर्वी उत्तर प्रदेश के मासूम बच्चों को निकल रहा। याद करिए 1977 से कितनी सरकारें आई होंगी। 40 वर्षों तक जुलाई से लेकर के नवंबर तक कोई महीना नहीं होता था। 300-400 बच्चे हर महीने यानी 4 महीनों की बात हम करते थे 4-5 महीनों के अंदर केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1200 से लेकर 1500 2000 तक बच्चे असमय इस बीमारी की चपेट में आकर के काल प्रवृत्त हो जाते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से इंसेफ्लाइटिस पर पूरी तरह नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया। इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान निकाल दिया गया है। कोई गरीब बीमारी से नहीं कालकलमित होगा। कोई मासूम बच्चा जिसे देश का एक भविष्य बनना है और किसी बीमारी की चपेट में आकर के असहाय कालकलमित नहीं होगा बल्कि उसकी ऊर्जा उसकी प्रतिभा का लाभ आने वाले समय में समाज को पूरे देश को प्राप्त हो इस दृष्टि से केंद्र और राज्य सरकारें निरंतर प्रयास कर रही हैं। आज इसका परिणाम सामने आ रहा है। प्रतिनिधियों ने प्रशासन ने संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्वयंसेवी संगठनों ने हेल्थ वर्कर्स ने कोरोना वॉरियर्स ने अत्यंत अभिनंदनीय है। लेकिन यदि आप सबसे भी होगी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है कमजोर हुआ है हमें सतर्कता और सावधानी रखनी होगी। एक सामान्य लड़ाई नहीं बहुत बड़ी लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई के खिलाफ उतनी सतर्कता उतनी सावधानी उतना ही संगठित रूप से उसके खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की तैयारी। क्योंकि कोरोना ने न केवल विकास को बाधित करने का प्रयास किया बल्कि कोरोना ने हमें हमारे पर्व और त्योहारों से दूरी बनाया सामाजिक संबंधों से दूरी बनाया। कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। नौजवानों के सामने रोजी रोजगार का संकट भी आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन भाइयों बहनों इसी में से रास्ता निकाला गया है और रास्ता निकाल करके विकास की योजनाओं का तोहफा देने के लिए जैसे कोरोना पर नियंत्रण हुआ हम लोग फिर से क्षेत्र में उतर करके जनता जनार्दन की सेवा के लिए आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ शुभकामनाएं देता हूँ। इससे पहले आप देखते थे अगर सृजनमा के नागरिकों को महाराज बन जाना होता था तो पहले यहां से गोरखपुर जाते थे फिर गोरखपुर से जंगल कोरिया पीटी में होते हुए तब निकलते थे। 1-2 घंटा ज्यादा लगता था और आज सृजनमा में आप बैठे
कालेश्वर से सीधे जंगल कोड़िया निकल गए, कालेश्वर से सीधे आप गोरखपुर की तरफ भी जा सकते हैं। आवागमन सरल किया गया, सड़कें चौड़ी हुई है। सहजनवा में पहले रेलवे क्रॉसिंग पर हम लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता था, बाजार भी प्रभावित होता था, लेकिन अब ओवरब्रिज बन गया, आवागमन आसान हो गया। आप सहजनवा से पारी जाना चाहते हैं, सहजनवा से खरसवा जाना चाहते हैं, सहजनवा से आप बखेरा जाना चाहते हैं, आसानी से यहाँ बैठिए, 15 मिनट में आप बखेरा पहुंच गए, क्योंकि अब आपके सामने कोई इस प्रकार का नहीं कि कहीं रेलवे क्रॉसिंग में रेलवे क्रॉसिंग बंद होगा तो वहां पे जाम लगा होगा, उसके बाद हम लोग इतना समय लेट होगा, कोई भी लेट नहीं। और स्वास्थ्य की बात जहां तक है, और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोरखपुर में एम्स दे दिया है। एम्स का उद्घाटन अक्टूबर में हम लोगों ने प्रस्तावित किया था, प्रधानमंत्री जी का सब सुनाएंगे, एम्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से गोरखपुर में होगा। और गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया के लोगों को अपने उपचार करने के लिए गोरखपुर के एम्स में आना पड़ेगा। एम्स गोरखपुर के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के जिससे वरदान साबित होगा। पटनाई का कारखाना पिछली सरकारें उद्योग बंद करती थी, कोई सरकार चीनी बंद कर रही है, कोई पटनाई का बंद कर रही है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उद्योगों को चालू करके किसानों की राह को आसान कर रही है, नौजवानों के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध करवा रही है। यही अंतर है, वे लोग नौजवानों के भूसे के साथ खिलवाड़ करते थे, अपराधियों को प्रश्रय देते थे, माफिया सरगनाओं को अपना सरपरस्त बनाते थे। आज भाइयों बहनों, अपराधी और माफिया सरगनाओं के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जग जाहिर है, लेकिन नौजवानों के भूसे के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी भी संगठन और किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति आज प्रदेश के अंदर देखते हुए बन रही है, लोग उसको नजीर के रूप में ले रहे हैं। विकास की योजनाओं का लाभ पैसा तो पहले भी था, लेकिन पहले गरीबों को आवास नहीं मिलते थे, विद्युत कनेक्शन नहीं मिलते थे, शौचालय नहीं मिलते थे, देखा होगा।
सभी मिलकर के इन कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़े। मेरी आप सबसे अपील होगी, वर्तमान में दो कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर चल रहे हैं, तीन कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर चल रहे हैं। एक निगरानी समिति ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधानों के नेतृत्व में, शहरी क्षेत्र में पार्षदों के नेतृत्व में बनी हुई निगरानी समिति घर घर जाकर के स्क्रीनिंग करने का कार्य कर रही है, उसे मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने में आपकी योगदान करें। कोई बच्चा बच्चों के लिए भी अलग से मेडिसिन किट है, ये 27 जून से बच्चों के लिए मेडिसिन किट हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भेज दी है। कोरोना और तमाम प्रकार की इस सीजन में होने वाली बीमारियों से बचाव का उत्तम साधन है। दूसरा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कोरोना से सुरक्षा कवच के रूप में जो स्तर पर चल रहा है, और व्यक्ति वैक्सीन जरूर लगाएं, ये वैक्सीन कोरोना से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है, हम इससे भागे ना, लोगों में से जागरूक करें। लेकिन भगदड़ की भी स्थिति ना हो, जब भी बारी आए हम वैक्सीन जरूर लगाएंगे, ये संकल्प हमारा होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपका आह्वान करूंगा कि सभी लोग, प्रधानमंत्री मोदी जी ने निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाया है, हर व्यक्ति को 18 साल से ऊपर की हर व्यक्ति को निःशुल्क अपना वैक्सीन ले लेना चाहिए। और तीसरा, हर गरीब के लिए खाद्यान्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मई से लेकर के दीपावली तक और प्रदेश सरकार के द्वारा भी जून जुलाई अगस्त 3 महीने हर गरीब को, हर जरूरतमंद को निःशुल्क खाद्यान्न ड्राई राशन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है। मेरी आप सबसे अपील होगी, हर जरूरतमंद को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में आप योगदान दे देंगे तो उसका पुण्य भी आप ही को प्राप्त होगा। इसलिए सभी लोग मिलकर के हर जरूरतमंद तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य करें। कोरोना के प्रति सतर्कता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और व्यक्ति को जागरूक करें। बीमारी को छुपाए ना, कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा है उसकी प्रॉपर जांच करवा ले, क्योंकि यह सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। थोड़ी सी लापरवाही इस अदृश्य शत्रु के कारण खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें जीवन भी चलाना है, जीविका को भी चलाना है। जीवन और जीविका को संचालित करते हुए हमें देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाना है, और उत्तर प्रदेश को देश के नंबर एक की अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना है। इस देश से एक सामूहिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, और ये विकास के कार्य उसी प्रक्रिया के हिस्से हैं। मैं आज के अवसर पर जयजमा विधानसभा क्षेत्र में विकास की ढेर सारी परियोजनाएं आई, अक्सरा भी आपका नगर पंचायत बन गया, को पहले नंबर पर आ चुके थे। उन्होंने वहां पर हमारे चेयरमैन उमाशंकर अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना में भी बहुत तेजी के साथ कार्य किए जाने की आवश्यकता है। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, हर ग्राम प्रधानगण, चेयरमैन, पार्षद अपने अपने क्षेत्र में पूरी प्रतिबद्धता के साथ करा लेंगे। भाइयों बहनों, कोई बीमारी दूर दूर तक पटेगी नहीं, और ये कार्य अगर हम कर पाएंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छे परिणाम उसके आएंगे। आज के अवसर पर ढेर सारे विकास की परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको, पूरे गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आप सभी लोग अपने जनप्रिय लोकप्रिय विधायक और सांसद के नेतृत्व में, जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।